अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो था सोशलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, उसके कुछ सिम्टम्स पढ़े थे। उसके बाद हमने ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या फर्क है कि अगर सोशलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वो पैनिक अटैक डिसऑर्डर के साथ मैच हो रहे हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंस। डिफरेंस इसमें इस तरह से आता है कि पैनिक अटैक के पीछे कोई भी रीजन नहीं होगी, ठीक है। पैनिक अटैक के पीछे कोई भी रीजन नहीं होगी। जब भी आपकी बॉडी जो है वो सिम्टम्स के साथ रिफ्लेक्ट करती है, उसको सिम्टम्स आते हैं, तो उसके पीछे किसी भी किस्म की रीजन नहीं होती। जबकि जब भी सोशलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के पैनिकनेस आएगी, पैनिक सिम्टम्स आएंगे, तो वो प्रवोक होती है, बढ़ती है सोशल फेयर्स के साथ या उनकी सोशल फेयर में जो भी है परफॉर्मेंसेस, मतलब आप सोशल एनवायरनमेंट के अंदर या दूसरे लोगों के सामने परफॉर्मेंस करते हैं ऑन द अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उससे आपका जो डर पैदा होता है उस डर की वजह से पैनिक अटैक आते हैं। इट्स अ रीजन के क्यों सिम्टम्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं, और पैनिक डिसऑर्डर के अंदर और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर क्या फर्क है। कॉग्निटिव सिम्टम्स, अब कॉग्निटिव सिम्टम्स इसमें थोड़े से हमने इंक्लूड किए हैं और उनको डिस्क्रिमिनेट किया है ताकि अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा आसानी हो। अब ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर आल्सो इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव सिम्टम्स विच आर डिसफंक्शनल थॉट पैटर्न्स। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर कॉग्निटिव सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके फंक्शनिंग लेवल और थॉट पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है। अब अगर आप इस सिचुएशन के अंदर है तो आप क्या महसूस कर रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स, डिसफंक्शनल अगर कॉग्निटिव पैटर्न हो गया है कॉग्निटिव सिम्टम का, तो उसके अंदर क्या क्या चीज जो है वो फील होगी। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, सेल्फ डाउट होगा। अब ये चीजें कहाँ से आ रही हैं, इसका रिसोर्स क्या है, तो ये कम फ्रॉम सोशल सोसाइटी से। जब आप सोशलाइज हो रहे होते हो, दूसरों के सामने होते हैं और दूसरों के सामने परफॉर्मेंस करने करने की वजह से आपको खुद के ऊपर सेल्फ डाउट और नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, जो सिम्टम्स ऑफ कॉग्निटिव। अब है कि कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स के, इसमें हमने इसको डिवाइड किया हुआ है कॉग्निटिव बिलीफ से, स्ट्रॉन्ग हेड कॉग्निटिव बायस से, कॉग्निटिव थॉट से। अब है कि कॉग्निटिव बिलीव्स जोन से हैं, इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव बिलीव्स में ये होता है कि क्वालिटी नहीं होती, मतलब कि आप कैपेबल नहीं होते, आप लैक कर रहे होते हो सोशल सर्कल के अंदर परफॉर्मेंस करने से और उससे रिलेटेड सिचुएशन में। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है नेगेटिव बायस को। नेगेटिव बिलीव्स ये हैं कि आपकी क्वालिटी नहीं होती, आपका एक बिलीव सिस्टम बन जाता है कि मैं क्वालिटी, लैक ऑफ क्वालिटी आ जाता है कि आप जो परफॉर्म कर रहे होते दूसरों के सामने वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, ये रिलेटेड टू द सिचुएशन जो परफॉर्मेंस है वो मैं नहीं दे पाऊंगी। अब ये नेगेटिव बायस, नेगेटिव बायस के अंदर ये चीजें आ जाती हैं कि आपके पास जो टेंडेंसी जोन सी है वो डिस्काउंट ओनली आप जोन सा है नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव इवेंट्स को ही काउंट करोगे, पॉजिटिविटी को डिस्काउंट करोगे, पॉजिटिविटी को काउंट ही नहीं करोगे, ठीक है, और मैग्निफाई करना शुरू कर दोगे, मतलब अपने ही नेगेटिव इवेंट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देना शुरू कर दोगे बनिस्बत पॉजिटिव साइड को, तो क्या होगा कि सोशल जो एबिलिटीज हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। अब है नेगेटिव थॉट। अब नेगेटिव थॉट में ये है कि ऑटोमेटिकली नेगेटिव एवोल्यूशन होना शुरू हो जाएगी अपने ही जात को लेके, कि मैं सोसाइटी में कैसा हूँ या मैं दूसरों के सामने कैसा हूँ और उससे लेके मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर हम इसको थोड़ा सा इस लिहाज से देखें, अगर हम इसकी एग्जांपल पे गौर करें कि किस तरह से कॉग्निटिव सिम्टम्स जो सा है वो वर्क करता है, उसमें जो कुछ चीजें आएंगी वो इस तरह से आएगी कि हम एक फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई स्टार्ट जॉब की है और आपका पहला दिन है, ठीक है,
तो आपका इंस्ट्रक्टर या फिर मैनेजर जौन सा है वो आपको इंट्रोड्यूस करने को कहेगा ग्रुप के सामने। अगर आप सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं या डायग्नोसिस हुआ हुआ है या आपने किसी को अंडरस्टैंड करना है तो आप ऑब्जर्व करें, या आपके पास कोई क्लाइंट आया है तो आप देखोगे कि नेगेटिव थॉट्स उसके स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि हर कोई जो उसको दिख रहा होगा वो बहुत ज्यादा रिलैक्स होगा, ठीक है। और अगर उसमें मैंने ये कि कुछ ऐसा बोल दे जिससे मैं डम्प लगूं, मतलब बेवकूफ लगूं, ठीक है, या फिर आप नोट करेंगे कि उनकी वॉइस है या जो डायग्नोज हुए मैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से, उनकी वॉइस जो कि पिच और ट्यून होगी वो स्टेबल नहीं होगी, उसमें शेकिंगनेस आना शुरू हो जाएगी, मतलब कप 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 कपी आना शुरू हो जाएगी, आवाज में एक स्टेबिलिटी नहीं होगी। अब उसके अंदर वो जो कंप्लेन कर रहे होंगे वो कंप्लेन ये होगी कि वो कुछ भी सुन नहीं पा रहे, ठीक है, और अपनी बात जो है वो कुछ कह नहीं पा रहे, जब उनकी बात कहने की बारी आती है तो वो सेंटेंस स्किप कर जाते हैं, मतलब एंग्शियस लेवल इतना ज्यादा होता है कि वो मैसेज को सही तरीके से सुन ही नहीं सकते और ना ही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है कि अगर तो इनका लेवल बहुत कम होता है सिम्टम्स का जो अपेयर हो रहे होते हैं, फिर तो कोई भी एंग्शियस लेवल को नोट नहीं कर पाता। अगर इसका सिम्टम का लेवल उनसे वो हाई लेवल पर होगा तो ये नोट हो जाता है। अब है नेगेटिव थॉट पैटर्न कैन आल्सो इरोड योर सेल्फ एस्टीम ओवर टाइम, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू सीक ट्रीटमेंट, ठीक है। अब इसमें ये है कि क्या ये नेगेटिव थॉट पैटर्न जो उनसे है वो आपकी सेल्फ एस्टीम को डैमेज करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम? यस, इट्स डैमेजिंग, और इसके लिए ट्रीटमेंट जो उनसे है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज बिहेवियरल सिम्टम्स। कॉग्निटिव हमने पहले सिम्टम पढ़े, अब है बिहेवियरल सिम्टम्स। अब बिहेवियरल सिम्टम्स के अंदर ये आ जाता है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कैन also cause you to act in a certain way. अब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में आपके बिहेवियर सिम्टम्स किस तरह के होते हैं, आप किस तरह से और क्यों एक्ट कर रहे होते हो और क्या एक्ट कर रहे होते हो, इसमें यह होता है कि आप अपनी जात को ऐसे देखते हैं कि आपने जो भी चॉइसेस की हैं वो डर की बेस पे की होती है, ठीक है। आप अवॉइडेंस को प्रेफरेंस कर रहे होते हो, ना कि ये कि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस करो, आपकी जो ख्वाहिशात है उसके मुताबिक एक्ट करो, या जो आपका एम्बिशन है उसके मुताबिक एक्ट करो, या जो गुजर रहा होता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से उसको इश्यूज आ रहे होते हैं कि वो अपने जात को सिर्फ जो प्रेफरेंस दे रहा होता है वो डर पे दे रहा होता है, और उस डर की बेस पे ही वो सोसाइटी के अंदर या दूसरों के सामने मूव कर रहा होता है, ना कि उस बेस पे जो वो एम्बिशियस फील कर रहा होता है किसी भी गोल को लेके, या उसकी डिजायर होती है कि मैंने दूसरों के सामने ऐसे परफॉर्मेंस देनी है, वो अपनी प्रेफरेंसेस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाता। अब इसकी एग्जाम्पल कैसे है कि मैं मुझे जिस तरह से है, मैं ये सोचती हूँ कि मैं जो फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये सोचती हूँ कि मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर तो मैं अवॉइड करूंगी और क्लास ही नहीं लूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो ये इस तरह से भी देख सकते हैं कि मैं अपने जॉब प्रमोशन को जो सा है वो अवॉइड कर दूंगी क्योंकि मेरी जो सोशल सर्कल है वो इनहेंस होगा और सोसाइटी के अंदर मेरा जो परफॉर्मेंस लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, इसमें सिम्टम्स आते हैं अवॉइडेंस का, सेफ्टी बिहेवियर का और एस्केप का। अवॉइडेंस इज के थिंग द थिंग डन और नॉट डन टू रिड्यूस एंजाइटी अबाउट बीइंग इन सोशल और परफॉर्मेंस रिलेटेड सिचुएशन, कि कोई भी चीज है बिहेवियर सिम्टम में की पॉइंट्स जो आते हैं वो अवॉइडेंस है, सेफ्टी बिहेवियर है, एस्केप है, कि कोई भी टास्क करने के लिए या आपने जो दूसरों के सामने कोई भी टास्क है जो परफॉर्म करना है जो सफर कर रहा है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से वो उसको अवॉइड करेगा। नेक्स्ट इज सेफ्टी बिहेवियर।
सेफ्टी बिहेवियर में है कि एक्शन टेकन टू कंट्रोल और लिमिट एक्सपीरियंसेस ऑफ सोशल एंड प्रेफरेंस रिलेटेड सिचुएशन, कि आप फेयर से और जो पर्सन गुजर रहा है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से, उसका जो फर्स्ट प्रेफरेंस ये होगा कि वो फेयर से बचने के लिए उसके जात के लिए वो सेफ्टी बिहेवियर होगा, वो अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस कर लेगा, मतलब महदूद कर लेगा सिर्फ इस हद तक कि वो अपनी परफॉर्मेंस रिलेटेड सिचुएशंस को कम कर दे। अब थर्ड वन इज एस्केप लिविंग और एस्केपिंग फ्रॉम अ फेयर सॉल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस सिचुएशन, मतलब कि छोड़ के चला जाएगा, उससे फरार होगा अपने डर से, और उसका डर किस तरह से पैदा हो रहा है, परफॉर्मेंस सिचुएशन को लेके। अब ये है अवॉइडेंट बिहेवियर्स। अब हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें थी। इसमें हमने कॉग्निटिव सिम्टम्स पढ़े, पहले हमने पढ़ा कि पैनिक अटैक और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में फर्क किस तरह से होगा। इसको हम इसी तरह से फर्क करेंगे कि पैनिक अटैक में पीछे कोई रीजन नहीं होती, जबकि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के पीछे रीजन होती है। वो प्रवोक कैसे होता है, सोशल परफॉर्मेंस से उससे रिलेटेड सिचुएशन से लेकर होता है, ठीक है। अब इसको हमने डिवाइड किया ताकि हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कॉग्निटिव सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इसमें जो नेगेटिव बिहेवियर सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब नेगेटिव जोन से है बिलीव, बायस और थॉट, ये की पॉइंट्स हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स के। उसका बिलीफ बन जाता है कि मैं एक क्वालिटी जोन सा वो सोशल और परफॉर्मेंस के रिलेटेड मैं नहीं दे पा रहा, और सोसाइटी में वो देवता भी नहीं है दूसरों के सामने। अब नेगेटिव बायस क्या होता है कि वो सिर्फ नेगेटिव को ही काउंट कर रहा होता है और एनकाउंटर कर रहा होता है ऐसी एबिलिटीज को जिसमें वो डाउन जा रहा होता है सोसाइटी के अंदर। अब है नेगेटिव थॉट्स के अंदर ये होते कि ऑटोमेटिकली जो उसकी एवोल्यूशन हो रही होती है अपनी जात के बारे में वो नेगेटिव होती है, और उसकी परफॉर्मेंस जो सोसाइटी में हो रही होती है वो भी नेगेटिव होती है। अब इसमें है बिहेवियर सिम्टम्स क्या आते हैं, बिहेवियर सिम्टम्स आते हैं अवॉइडेंस, सेफ्टी बिहेवियर और एस्केप, के मतलब डर की बेस पर आप टास्क करने से जो डिजायरेबल जो एम्बिशियस टास्क है उससे ही कम कर देते हैं। अब सेफ्टी बिहेवियर जो जो सफर कर रहा है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से, ये होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस ही सोसाइटी में दूसरों के सामने कम कर देगा परफॉर्मेंस रिलेटेड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और एस्केप में ये आ जाएगा कि वो लीव कर जाएगा सिर्फ सोसाइटीज को फेस करने में और सोसाइटी में परफॉर्मेंस को लेके। द नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।